नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं नीलू व्यास। आप ये सोचिए कि अचानक से इलेक्टोरल बॉन्ड्स पर कोई खबर नहीं आ रही थी। लोग ये सोच रहे थे कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स का इतना बड़ा फैसला सुनाने के बाद भी ऐसी चुप्पी क्यों है। वो चुप्पी इसलिए थी क्योंकि पूरे मीडिया का ध्यान, और उसमें ऑल्टरनेटिव मीडिया भी इंक्लूडेड है, कि उसका ध्यान अचानक से अरविंद केजरीवाल, कंगना रनौत जैसे मुद्दों पर आ गया। अचानक से कुछ कुछ, अब वो षड्यंत्र के तहत किया गया हो, कॉन्स्पिरेसी के तहत किया गया हो, लेकिन पूरे मीडिया का, इंक्लूडिंग सोशल मीडिया और मेनस्ट्रीम मीडिया का ध्यान भटका दिया गया। लेकिन आज एक बयान आया है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पति परकला प्रभाकर का, जो कि खुद भी जाने माने अर्थशास्त्री हैं, और उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है रिपोर्टर्स लाइव को, जो कि एक मलयालम टीवी चैनल है और उसको काफी लोग देखते हैं, उसके बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हैं। और उनका ये कहना है कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स केवल देश का ही मुद्दा नहीं, देश का ही सबसे बड़ा स्कैम नहीं है, बल्कि पूरे विश्व का सबसे बड़ा स्कैम है। और इस बार उन्होंने कहा है कि इस बार बीजेपी के खिलाफ जनता खड़ी होगी। एक बहुत बड़ी बात उन्होंने कही है, उन्होंने कहा है कि इस बार बीजेपी के खिलाफ जनता खड़ी होगी और कोई अलायंस बनाम बीजेपी की लड़ाई नहीं होगी। तो ऐसे में ये बयान कितना इम्पोर्टेंट है। आज फिर से वापस आप ये देखिए कि पूरा जो एक नैरेटिव था, जो इलेक्टोरल बॉन्ड से ध्यान भटक गया था, आज निर्मला सीतारमण के पति ने जब ये बयान दिया है और उन्होंने रिपोर्टर्स लाइव में इस इंटरव्यू को दिया, तो रिपोर्टर ने ही उनसे पूछा था कि सवाल इलेक्टोरल बॉन्ड्स पर, तो उन्होंने कहा, और उनके एग्जैक्ट वर्ड्स अगर मैं कोट करूं तो उन्होंने यही कहा था कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स इज नॉट ओनली द बिगेस्ट स्कैम ऑफ इंडिया बट इट इज द बिगेस्ट स्कैम ऑफ द वर्ल्ड। और इसके अलावा जो उन्होंने बात कही कि जनता इस बार तय करेगी कि बीजेपी कहां पर रहेगी, वो एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी। उसके ऑडियो में अगर मैं आपको सुनाऊं, मुझे पता नहीं, आई एम नॉट श्योर कि अगर ये ऑडियो हम प्ले कर सकते हैं, लेकिन इस ऑडियो में बिल्कुल साफ साफ उन्होंने कहा है, the fight is going to be between the BJP and the people of India, not necessarily between BJP and another political party. तो आपने ये देखा, उन्होंने कहा है कि the fight will not be between the BJP or any other political party, but between the people of India. यानी कि electoral bonds एक ऐसा मुद्दा है जिसने कि जनता का भरोसा बीजेपी के ऊपर से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर से हटा दिया है, और उस जनता को अब ये लगने लगा है कि ये बिल्कुल भ्रष्टाचार में लिप्त सरकार है। और अगर आज वित्त मंत्री के पति इस बात को कह रहे हैं, तो वाकई में इसको और भी ज्यादा गंभीरता से लेने की जरूरत है, और ये पूरा नैरेटिव एक तरीके से बीजेपी के खिलाफ जाता हुआ नजर आ रहा है। इस समय हमारे साथ प्रबल प्रताप शाही जी हैं, जो कि कांग्रेस के नेता हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रबल जी, आप अनम्यूट कर लीजिएगा सर। लेकिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पतिदेव का ये कहना कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कैम देश का ही नहीं बल्कि विश्व का सबसे बड़ा स्कैम है, इस पर आप क्या कहेंगे सर, प्रतिक्रिया, क्योंकि ये वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के हस्बैंड की तरफ से ये इंटरव्यू आया है। जी, जैसा मैंने सुना भी कि निर्मला सीतारमण के हस्बैंड जिसका प्रभाकर, जो वेल नोन इकोनॉमिस्ट भी है, अर्थशास्त्री बहुत बड़े हैं देश के, उन्होंने कहा कि ये जो इलेक्ट्रल बॉन्ड है, ये हिंदुस्तान का नहीं विश्व का सबसे बड़ा घोटाला है, भ्रष्टाचार इसमें लिप्त है। और उन्होंने कहा है कि इसके लिए जो है जनता जो है वर्तमान की नरेंद्र मोदी की सरकार को भी पनिश करेगी, यानी उनका उनका इलाज करेगी, यानी उन्हें हराएगी। उनके कहने का मकसद ये है, आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले राहुल गांधी जी ने भी इलेक्ट्रल बॉन्ड के विषय में भी यही कहा था कि ये विश्व, हिंदुस्तान का नहीं विश्व का ही सबसे बड़ा घोटाला है। जहां तक मैं एक इस पर एक मैं आप अभी आ रहा था, जब मैं आ रहा था अपने घर से चल रहा था, तो छोटे छोटे बच्चे मैंने देखे गली में खड़े थे। थोड़े दूर मैं चला तो एक भारतीय जनता पार्टी का पटका लगाए हुए एक आदमी जा रहा था आगे, टोपी लगाए हुए, पटका लगाए हुए, और छोटे छोटे बच्चे अकस्मात उन्होंने बोला, नारा लगाया, गली गली में शोर है, मोदी चंदा चोर है। अब आप ये देखिए कि हिंदुस्तान के अंदर छोटे बच्चों तक ये पहुंच गया है कि मोदी ने चंदा चोरी की है। और ये तो आज दिल्ली में मैं आपको स्थिति बता रहा हूं, आने वाले समय में ये हिंदुस्तान की गली गली में नारा लगेगा कि गली गली में शोर है, मोदी चंदा चोर है। ये सोचिए कि छोटे छोटे बच्चे इस नारे को लगा रहे हैं, धीरे धीरे लोगों तक पहुंच रहा है ये
जैसे क्विक नाम की कंपनी जो रियल रिटेल चेन्स में काम करती है, उसका जो मेन जो उसके पीछे जो कंपनी है वो रिलायंस है अंबानी, और अंबानी ने उसमें फंड किया और उस क्विक कंपनी ने इलेक्ट्रोल बॉन्ड खरीदे। इसीलिए तीन काले कृषि कानून उस रिटेल चेन्स को फायदा पहुंचाने के लिए, रिटेल चेन की मार्केट को फायदा पहुंचाने के लिए तीन काले कानून लाए, जिसमें एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट को खत्म किया गया, आपको याद होगा, जिससे स्टोरेज की कैपेसिटी बहुत ज्यादा हो जाए, अंबानी और अडानी को फायदा पहुंचाने के लिए नरेंद्र मोदी ने। और आज स्थिति यह है कि गोपालपुर पोर्ट जो है जो उड़ीसा में है, वह भी नरेंद्र मोदी ने अडानी को दे दिया है, और इसके अलावा गुजरात के अंदर भी कई पोर्ट दिए हुए हैं जिसमें जो है मादक द्रव्य आते रहते हैं। मुझे तो अब डर है कि हवाई अड्डे नरेंद्र मोदी ने अडानी को क्यों दिए और पोर्ट क्यों दिए, कि नरेंद्र मोदी को यह समझ में आ गया था कि जो इलेक्ट्रोल बॉन्ड के माध्यम से जो वो चंदा ले रहे हैं, जो रंगदारी में कह रहा हूँ रंगदारी वसूलते हैं, जो भ्रष्टाचार के लिए कृत है ये, क्योंकि आप मुझे चंदा दो मैं तुम्हें धंधा दूंगा, इस कॉन्सेप्ट में काम करते हैं कि आने वाले समय में कलई खुलेगी और कलई खुलने के बाद वह जब भागना चाहेंगे तो पोर्ट और एयरपोर्ट से भाग जाएंगे और वह उनके अडानी का होगा। और ऐसी स्थिति ही मैं आपको बताऊं कि नरेंद्र मोदी भागेंगे नहीं तो नरेंद्र मोदी जेल में जाएंगे। इसके पीछे मैं आपको इतिहास से पीछे ले जाना चाहता हूं। इतिहास में दक्षिण अफ्रीका आपको दो सेकंड के लिए रोक रही हूं क्योंकि आपने दो बड़ी इंपॉर्टेंट बातें कही। आपने कहा कि नरेंद्र मोदी को भागने की तैयारी करनी पड़ेगी या वो जेल जाएंगे, ऐसा आप क्यों आपको लगता है? मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं आपको इतिहास में पीछे ले जाता हूं। 2009 से 2018 तक एक शख्स थे, उनका नाम था जैकब जुमा, वो दक्षिण अफ्रीका में राष्ट्रपति बने और उनको राष्ट्रपति बनने में मदद जो किया वो गुप्ता बंधु, सहारनपुर से गुप्ता बंधु वहां गए थे और उन्होंने सहारा कंप्यूटर्स नाम की कंपनी खोली और उनको इसी तरह पोर्ट, एयरपोर्ट मतलब बंदरगाह, हवाई अड्डे, मीडिया, रेलवे, खनन सब दे दिया था। और वहां पर जैसे शादी यहाँ हुई है ना अंबानी की जामनगर में जिस तरीके से एयरपोर्ट बेस को इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया, वैसे पिटोरिया जो वहां की राजधानी है दक्षिण अफ्रीका की, गुप्ता बंधुओं की भांजी की शादी हुई थी, इसी तरह वहां भी उस एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा दे दिया था और वहां पर हिंदुस्तान से चार्टर प्लेन गए थे, बॉलीवुड के तमाम एक्टर एक्ट्रेस गए थे। और आज स्थिति क्या है कि वहां पर 2018 में विद्रोह हो गया, पार्टी के अंदर भी विद्रोह हुआ, जनता में विद्रोह हुआ। 2018 में जैकब जुम्मा को अपना पद छोड़ना पड़ा, गुप्ता बंधु वहां से भागकर अबू धाबी चले गए, आज वह आराम से हैं और जैकब जुम्मा जेल में है। तो मैं नरेंद्र मोदी को आज से नहीं, पिछले 3-4 सालों से जब तक किसान आंदोलन चल रहा, मैं नरेंद्र मोदी को जैकब जुम्मा ऑफ इंडिया कहता हूं। आप मेरे पुराने वीडियोस भी देख लीजिए, मैं लगातार ये कहता आता हूं कि नरेंद्र मोदी जैकब जुम्मा ऑफ इंडिया है और जैसे ही ये सरकार जाएगी नरेंद्र मोदी जेल जाएंगे, जिस हिसाब से उन्होंने ये पोर्ट एयरपोर्ट दिया है। अब मैं एक और चीज पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। नरेंद्र मोदी ने, अभी नरेंद्र मोदी की सरकार ने हमारा जो सामरिक महत्व का जो रिजर्व है, पेट्रोलियम रिजर्व, उसको कहते हैं इंडियन स्ट्रेटजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड, मैंगलोर में है, उसकी कैपेसिटी है 1.5 मिलियन टन। वो रिजर्व है, क्रूड ऑयल है, यानी कच्चा तेल वहां रखा जाता है, वहां पर विशाखापट्टनम में और पेडोर में कर्नाटका में, कि 9 दिन का ऑयल रिजर्व हमारे पास है कि अगर युद्ध की स्थिति हो तो हमारे पास ऑयल रिजर्व रहे, सामरिक महत्व का है और उसका इस्तेमाल इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन कर सकता है मात्र। लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार ने स्टेट ट्रेडिंग एंटरप्राइजेस में एग्जेम्प्ट करके, स्टेट ट्रेडिंग एंटरप्राइजेस क्या होता है, उसको एग्जेम्प्ट कर दिया, मतलब उसमें इंपोर्ट की आपको वो मिलता है, लाइसेंस मिलता है। अब वहां पर अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी आती है, एडेनको, अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी, उसको मैंगलोर के 1.5 मिलियन टन की जो कैपेसिटी मैंगलोर में है वहां पर उसको लीज में दे दिया जाता है और वह वहां से एक्सपोर्ट कर सकता है। अब सोचिए, भारत के सामरिक महत्व का, जो हमारी सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला, हमारी रक्षा से जुड़ा हुआ मामला है, उसको अभी अबू धाबी नेशनल कंपनी ऑयल, अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी को दे दिया जाता है। इससे बड़ा देश के साथ क्या धोखा होगा, गद्दारी क्या होगी? और यह मैं आरोप लगाता हूं कि अबू धाबी में अडानी बैठा हुआ है, गौतम अडानी का भाई विनोद अडानी उर्फ विनोद शाह, क्या यह जो
जो ये समझौता हुआ है या जो एग्जम्पशन हुआ है, जो ये मौका मिला है अबू धाबी नेशनल ऑयल कॉर्पोरेशन कंपनी को हमारे इंडियन स्ट्रेटजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड से लीज लेने का, क्या इसके पीछे अडानी है? अब आप समझ लीजिए, जहाँ ये जो ये महत्व, ये रक्षा का महत्व, मतलब रक्षा का सामरिक महत्व का क्षेत्र है ये, मतलब हमारे ही जो तेल का, जो जहां पर क्रूड ऑयल रखा जाता है 9 दिन का, उस पर भी कब्जा दे दिया उन्होंने अबू धाबी की कंपनी को। इससे बड़ी गद्दारी क्या होगी? अभी तक अग्निपथ योजना दी थी, अग्निपथ योजना लाकर सेना को आधा करने की कोशिश नरेंद्र मोदी ने की, अब हमारे देश के ऑयल रिजर्व पर भी खतरा मंडरा रहा है। पोर्ट एयरपोर्ट तो आपने दे दिया, अब आप ऑयल रिजर्व भी देने जा रहे हैं, तो ये देश की जनता के साथ कितना बड़ा धोखा है। तो मैं तो ये कहता हूं कि देश के अंदर जितनी भी संसाधन है उसको नरेंद्र मोदी अडानी को क्यों दे रहा है? जो शाही साहब आप तेल रिजर्व की बात कर रहे हैं कि वो अबू धाबी में इस तरीके से दे दिया गया है, उसका क्या सबूत है? उसके कुछ कागज हैं जो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, क्या हम इसको दिखा सकते हैं? ये मैंने नोट किया है और ये अभी एक वेबसाइट है, मैं आपको अभी मैसेज भी कर दूंगा, आपको वो रिपोर्ट भी मैसेज कर दूंगा, उसको आप लगा सकती है। ये मतलब ये समझिए, ये जो मैं नोट करके लाया हूँ, मैं पढ़ा तो मेरे होश फाख्ता हो गए कि ये कैसे हो सकता है कि सामरिक महत्व के क्षेत्र की जगह को, जो हमारा ऑयल रिजर्व है, वो भी जमीन, वो जगह जो है आप जो है लीज पर दे दे रहे हो अबू धाबी नेशनल। ये कैसे नरेंद्र मोदी, यानी नरेंद्र मोदी किसी न किसी देश के एजेंट के तौर पे काम कर रहे हैं, भारत के लिए काम नहीं कर रहे हैं, इतना तो मैं मान सकता हूँ। वो भारत के लिए काम नहीं कर रहे हैं, वो हिंदुस्तान के लिए काम नहीं कर रहे, वो किसी न किसी विदेशी के लिए काम कर रहे हैं, वो कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, वो अडानी कंपनी है, नवयुगा कंपनी जो है उसमें अडानी का पैसा लगा हुआ है। तो अडानी के लिए नरेंद्र मोदी और अंबानी के लिए काम कर रहे हैं और हिंदुस्तान किसी के लिए काम नहीं कर रहे। आपने जिसका नाम बताया अबू धाबी में, इस कंपनी का नाम क्या है? इसका नाम है अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी। ओके ओके, एडेनको कहते हैं एडेनको, और इसकी एक कंपनी बनाई गई है अबू एडेनको मार्केटिंग इंडिया। हाँ, तो अगर पब्लिक को समझना हो, क्योंकि थोड़ा सा पेचीदा मामला होता है ऑयल रिजर्व्स का, तो अगर आम भाषा में आम लोगों को समझाने के लिए 2 लाइन में ये बताया जाए तो ये क्या होगा खबर? ये खबर ये है कि हमारे यहाँ 3 ऑयल रिजर्व, मतलब 3 जगह तेल का भंडार किया गया कि अगर युद्ध की स्थिति हो जाए या कोई इमरजेंसी का पीरियड हो जाए तो हमारे पास 9 दिन का तेल रहे, उसमें 1.5 मिलियन टन की जगह जो है वहां पे कैपेसिटी बनाई गई भंडारण की, तेल की, क्रूड ऑयल यानी कच्चे तेल की, जिससे पेट्रोल और डीजल बनता है। अब आप समझिए, वही जगह आप जो है मैंगलोर में उसका इस्तेमाल इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन बस कर सकता है अभी तक, लेकिन इन्होंने अब वो अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी को दे दिया। ये सबसे बड़ी खबर है। कैसे दे सकते हैं नरेंद्र मोदी? भारत के सामरिक महत्व की रक्षा क्षेत्र, मतलब हमारे देश की सुरक्षा पर खतरा, एक विदेशी देश की कंपनी को आपने क्यों दिया? ये सबसे बड़ा है, और ये देश के सुरक्षा के साथ खिलवाड़ नरेंद्र मोदी कर रहा है। इसीलिए मैं कह रहा हूं, अभी तो इलेक्ट्रल बॉन्ड, और ये क्यों हुआ होगा? ये अगर कहीं पब्लिक केयर, पीएम केयर फंड खुलेगा ना, अभी तो आप कॉर्पोरेट बॉन्ड की, इलेक्ट्रल बॉन्ड की बात कर रही, जिसमें कॉर्पोरेट कंपनियों का अभी डाटा आया है, जिस दिन पीएम केयर फंड खुलेगा उसमें तमाम चाइना की कंपनियां, और ये भी हो सकता है कि अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी जो है इसकी भी सब्सिडियरी एक कंपनी बनाई गई है यहाँ पे, अबू धाबी नेशनल ऑयल मार्केटिंग इंडिया इस तरह करके इंटरप्राइजेस करके बनाई गई है, वो कंपनियां भी हो सकता है चंदा दी, और इसके पीछे कहीं ना कहीं अडानी है, कहीं ना कहीं अडानी है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। एक और मैं आपको बता रहा हूँ, इंडिया इजराइल यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यूनाइटेड अरब एमिरेट्स I2U2 कहते हैं, एक एग्रीमेंट किया गया कि भारत के अंदर $2 बिलियन इन्वेस्ट करेगा UAE, और उसका जो जमीन जो रहेगी हिंदुस्तान के किसानों से ली जाएगी, और वह उस पर खेती की जो टेक्नोलॉजी होगी वो इजराइल की होगी और USA को सप्लाई होगा। अब आप समझिए, हमारे देश के किसानों की जमीन को फिर से लेने की कोशिश I2U2 के माध्यम से की जा रही है, और उसके पीछे भी ये अडानी है। ये समझिए आप, अडानी कहाँ कहाँ रोल प्ले कर रहा है। जो मुझे ये बताइए कि शाही साहब, ये भ्रष्टाचार के बहुत सारे अब अलग अलग एंगल्स समझ में आ रहे हैं। ये वो सरकार है जो कहती थी ना खाऊंगा ना खाने दूंगा,
सबसे बड़ा विश्व का स्कैम इनके राज्य में हुआ है। अभी तेल रिजर्व्स का आप खुद बता रहे हैं कि देखिए अबू धाबी में किस तरीके से तेल रिजर्व्स एक तरीके से सुरक्षा से समझौता करते हुए वहां के तेल जो अपने यहाँ तेल रिजर्व्स हैं उनको भी बेच डाला गया है। तो ये भ्रष्टाचार के ये जो अलग अलग पहलू अब सामने आ रहे हैं इसको कांग्रेस या फिर जो विपक्षी दल है क्या वो जनता के बीच लेकर जा पाएंगी? क्योंकि परकला प्रभाकर का आप इंटरव्यू अगर देखें तो उन्होंने कहा है कि इस बार तो लड़ाई विपक्ष बनाम बीजेपी की है ही नहीं, लड़ाई तो जनता और बीजेपी के बीच। देखिए मैं तो हमेशा कहता हूँ ये लड़ाई जनता बनाम ही नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी है, ये राहुल गांधी भी कहते हैं, इसीलिए उन्होंने भारत जोड़ो न्याय यात्रा किया, भारत जोड़ो यात्रा किया। ये नहीं कहते हैं वो कि कांग्रेस पार्टी ही लड़ेगी, वो कहते हैं देश की जनता लड़ेगी, इसीलिए राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा की, 4000 किलोमीटर की पद यात्रा, 6700 किलोमीटर की भारत जोड़ो न्याय यात्रा, उन्होंने जनता को जगाया कि जनता के बीच में जिस तरीके से नरेंद्र मोदी ने तमाम तरह के मीडिया के संसाधनों से गलत गलत बयानी गलत फहमी फैलाई हुई थी उसको ब्रेक करने का काम राहुल गांधी ने किया है। राहुल गांधी जी ने हमेशा कहा है लड़ाई जनता बना मोदी है, उन्होंने कभी नहीं कहा कि राहुल बना मोदी है, उन्होंने कहा ये लड़ाई जनता बना मोदी होगी, देश की जनता को जागना हो। इसीलिए वो हमेशा कहते हैं कि तुम बब्बर शेर हो, तुम्हें जागना होगा, तुम्हें समझना होगा, तुम्हें हराना होगा, आप ये समझिए आप। इसीलिए हमेशा हम लोग भी मानते हैं ये लड़ाई जो है मोदी बनाम जनता होगी, ये मैं बोल रहा हूं, और इसमें मोदी को पनिशमेंट, मैंने अभी बताया ना कि अब नारा लगने लगा है ना कि गली गली में शोर है मोदी चंदा चोर है, ये नारा मैं तो नहीं लगा रहा, ये नारा जनता लगाने लगी है, अभी तो दिल्ली के एक कोने पर लग रहा है, आने वाले समय में ये देश के हर कोने में लगने लगेगा, देख लीजिएगा जिस तरीके से नरेंद्र मोदी ने चंदा लिया है, और अभी जिस तरीके से दिल्ली के चीफ मिनिस्टर को 100 करोड़ के घोटाले का आरोप लगा कि गिरफ्तार किया गया है, जिसमें शरद रेड्डी जो अरविंदो कंपनी का मालिक है उसने 50 करोड़ रुपया जेल में जाने के बाद 50 करोड़ रुपया उसने बीजेपी को दिया, वह चंदा क्यों इलेक्ट्रल बॉन्ड क्यों खरीदा, वह इलेक्ट्रल बॉन्ड इसलिए खरीदा कि ईडी उसकी जमानत का विरोध ना करे। तो अगर उस आरोप में 100 करोड़ के घोटाले के आरोप में कोर्ट ये कहती है कि आम आदमी पार्टी को भी उसमें पार्टी बनाओ और दिल्ली के चीफ मिनिस्टर को भी पार्टी बनाओ और उसको गिरफ्तार करो, राष्ट्रीय अध्यक्ष है, तो उसी केस में 50 करोड़ रुपया जो उसने 55 करोड़ रुपया जो उसने पैसा दिया है इलेक्ट्रो बॉन्ड खरीदा है वो एक तरीके से घूस है, उसने भ्रष्टाचार किया है, भ्रष्टाचार को से बचने के लिए ईडी की जांच से बचने के लिए ईडी इसमें तो केस जो है सुनिए, इसमें केस बीजेपी के ऊपर भी होना चाहिए, इसमें केस जो है वह जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर भी होना चाहिए, कोषाध्यक्ष पीयूष गोयल के ऊपर होना चाहिए, और इलेक्ट्रोल बॉन्ड ब्रेन चाइल्ड है नरेंद्र मोदी का, तो मैं कहता हूं नरेंद्र मोदी पर भी होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? नरेंद्र मोदी इस देश के संविधान से ऊपर नहीं है, वो इस देश के संविधान से ऊपर नहीं है, वो देश के केयर टेकर है, मालिक नहीं है, मकान मालिक नहीं, किराएदार है। प्रबल जी लेकिन आपको लगता है कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की स्क्रिप्ट लिखी गई तो वो क्या इलेक्टोरल बॉन्ड से ध्यान भटकाने के लिए किया गया? अब तमाम उन्हें खड़ा कर दिया है, कंगना रनौत का एक इशू हो गया, अरविंद केजरीवाल का एक इशू हो गया, क्या ये सारे चीजों को के का एक तरीके से ध्यान भटकाने की कोशिश हो रही है ताकि इलेक्टोरल मुद्दा ना बने? देखिए जिस दिन अरविंद केजरीवाल को किस दिन गिरफ्तार किया गया, जिस दिन इलेक्टोरल बॉन्ड के कोड एसबीआई ने इलेक्शन कमीशन को दिया, इलेक्शन कमीशन ने उसको पब्लिश कर दिया अपने वेबसाइट पे, जब पत्रकार उस वेबसाइट को पढ़ते तब तक जब तक वो निकालते न्यूज बनती तब तक ही उसको हेडलाइंस को ही बदल दिया गया, अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर दिया। जैसे ही अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर दिया उसके बाद शरद रेड्डी का मुद्दा उठ गया कि शरद रेड्डी ने 50-55 करोड़ रुपया जो घोटाले में जो किंग पिन था जो मुख्य आरोपी है साजिश करता है वो 50 करोड़ रुपया उसने जो है वह भाजपा को दिया। जैसे ये मुद्दा उठा इलेक्ट्रोल बॉन्ड उसने खरीदा वैसे ही कंगना रनौत का मुद्दा आ गया और मुद्दा आने के बाद वो मुद्दा दो दिन से गरमा रहा है। क्यों किया जा रहा है? वो इसलिए ही किया जा रहा है कि इलेक्ट्रोल बॉन्ड जो भ्रष्टाचार का जननी है, मदर ऑफ भ्रष्टाचार इसे कहेंगे, मदर ऑफ करप्शन, नरेंद्र मोदी ने खाऊंगा नहीं खाने दूंगा जो बात कही थी ये तो बस खाने की ही बात करते हैं,
खाऊंगा नहीं खाने नहीं दूंगा, वह जनता को कह रहे थे खाऊंगा नहीं खाने दूंगा। यानी इस देश के अंदर 80 करोड़ जनता को नरेंद्र मोदी कहते हैं कि 5 किलो राशन दे रहे हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि अनंत अंबानी जिसकी शादी हो रही थी, जिसकी सगाई थी या शादी थी, उसने अपने हाथ में 80 करोड़ की घड़ी पहनी थी। वह नरेंद्र मोदी के परिवार का सदस्य है। अब आप समझिए, एक तरफ 80 करोड़ जनता और एक तरफ 80 करोड़ का एक व्यक्ति घड़ी पहन रहा, कितना बड़ा असमानता इस देश के अंदर है। और ये नरेंद्र मोदी के राज में ही हुआ है। जितना पैसा इन लोगों का बढ़ा है, चाहे अंबानी का बड़ा हो, चाहे अडानी का बड़ा हो, चाहे वो लाला रामदेव का बड़ा हो, पतंजलि वाले का, बिल्कुल नहीं, ठीक है। अब मैं देखिए, ये जो इलेक्ट्रल बॉन्ड का मुद्दा है, ये इलेक्ट्रल बॉन्ड का मुद्दा तो अभी जो है आइसबर्ग की टिप है। अभी तो नीचे पीएम केयर फंड है। जिस दिन पीएम केयर फंड का मुद्दा उठेगा, उसका खुलासा होगा, देश की जनता के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी कि कितना बड़ा घोटाला हुआ है। ये भी हो सकता है कि तमाम विदेशी कंपनियों ने पीएम केयर फंड में पैसा लगाया हो, और ये इन्वेस्टमेंट है। इन्होंने ये कहा है, ये कि इलेक्ट्रोल बॉन्ड क्यों लाया गया, इलेक्ट्रोल बॉन्ड कॉर्पोरेट बॉन्ड इसलिए लाया गया कि आप मुझे चंदा दे दो और मैं आपके बदले आपको धंधा दे दूंगा। जैसे मेगा प्रॉपर्टीज ने 140 करोड़ रुपए का इलेक्ट्रोल बॉन्ड खरीदा, 1400 करोड़ रुपए का उसे प्रोजेक्ट मिल गया। ये तो एक एग्जाम्पल है, ऐसे कई एन नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स होंगे। अभी तो अडानी नहीं, आप अडानी के बारे में कुछ कह रहे थे, उसके बाद फिर मैं आखिरी सवाल करती हूँ आपसे। कुछ कह रहे थे आप अडानी? मैं कह रहा हूँ अडानी को जिस तरीके से पोर्ट, एयरपोर्ट, मिनरल सब कुछ दिया जा रहा, हसदेव के जंगल दिए जा रहे हैं, उसके नीचे कोयला दिया जा रहा, हसदेव का जंगल छत्तीसगढ़ के अंदर काटा, जिसका आदिवासी विरोध कर रहे हैं, लद्दाख में जो 370 हटाकर उसको यूटी बनाकर सरकार जो है केंद्र सरकार पर कब्जा करना चाहती है, क्योंकि वहां लिथियम आता है और लिथियम का प्रयोग भी वहां अडानी करना चाहता है, उस पर भी उसकी नजर है, इसलिए उसको स्टेटहुड नहीं दिया जा रहा। जिस पर वांगचुक जो है वहां पर अनशन कर रहे थे, अभी तक 17 दिन से अनशन किए हुए हैं, वहां पे जनता आंदोलित है। तो हर देश में हर जगह अडानी के लिए हर चीज करने के लिए नरेंद्र मोदी तैयार है। और मैं आरोप लगाता हूं, अडानी तो मात्र मुखौटा है, असली मालिक मोदी है, मोदी ही अडानी है, अडानी ही मोदी है। और जिस दिन खुलासा होगा, ये चेहरा साफ होगा, तो अडानी के पीछे नरेंद्र मोदी का चेहरा निकल कर आएगा। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि नरेंद्र मोदी ही जैकब जुम्मा ऑफ इंडिया है, क्योंकि गुप्ता बंधु की कंपनियों में जैकब जुम्मा के परिवार के लोग ही डायरेक्टर हुआ करते थे, वहां तो दिखता था, तो यहाँ पे दिख नहीं रहा है, यहाँ दिख नहीं रहा है। लेकिन असली मालिक अडानी नहीं है, असली मालिक मोदी है। इसीलिए नरेंद्र मोदी चुनाव का जिस दिन रिजल्ट, इसीलिए बौखलाए घूम रहे हैं, उस चुनाव देख रहे हैं हारते हुए, इसीलिए रोज ईडी की जांच, ईडी के छापे। ईडी जो है सुपारी किलर की तरह काम कर रहा है, जैसे सुपारी दिया जाता है माफिया गैंग में कि जाओ शूट करो, वैसे ही नरेंद्र मोदी ने डी कंपनी चलाए रहे हैं, उसमें दाऊद इब्राहिम खुद बन गए हैं, छोटा शकील अमित शाह है, और सुपारी किलर जो है ईडी सीबीआई इनकम टैक्स है, वो जाके रोज शूट करते रहते हैं। आज उसके ऊपर छापा, कल उसके ऊपर छापा, परसों उसके ऊपर छापा, बिल्कुल। लेकिन प्रबल जी, एक आखिरी सवाल आपसे पूछूंगी कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स की जो पूरा जो डेटा है, और धीरे धीरे करके ये सारी चीजें जब सामने आएंगी, तो आपको लगता है कि क्या एक ऐसी स्थिति नरेंद्र मोदी और उसकी सरकार के सामने होगी कि वाकई में जो आप बात कह रहे थे कि क्या नरेंद्र मोदी को देश छोड़ के भागना पड़ेगा? जी, एकदम भागना पड़ेगा, या तो जेल में जाएंगे, और भागेंगे तो एयरपोर्ट, और इसीलिए बहुत दूरदर्शी आदमी है वो, इसीलिए उन्होंने देश के एयरपोर्ट और पोर्ट, उन्होंने जो है बंदरगाह और हवाई अड्डे अडानी को दे दिया, अपने चेले का मालिक ही वही है, वो तो चेहरा है, मैनेजर है, सीईओ है, इसीलिए दे दिया है कि मैं जल्दी से लुकआउट नोटिस नो में भाग जाऊं, देश से विदा हो जाऊं, बच जाऊं। नहीं तो अगर खुलासा होगा, सरकार बदलेगी, तो नरेंद्र मोदी सबसे पहले जेल के अंदर जाने वाला शख्स होगा, देश का पहला प्रधानमंत्री होगा जो जेल के अंदर जाएगा, उसका नाम नरेंद्र मोदी होगा। और वो भी किस लिए जाएगा? देश की संपदा बेचने का। जिस माँ भारती की बात करता है नरेंद्र मोदी, उसी माँ भारती के जो संसाधन हैं, यानी ऑयल, पेट्रोल डीजल तो है ही है, कोयला, उसके बाद जितने भी मिनरल्स हैं, जितने भी संसाधन है, सड़क, बिजली, जितने भी बंदरगाह, ये सब अडानी को क्यों बेचता जा रहा है?
नरेंद्र मोदी, इस पर सबसे बड़ा सवाल है। इस देश की सारी संपदा उसने बेच दी। बिल्कुल, चलिए अब देखना होगा। लेकिन आज की जो बड़ी खबर है वो यही है कि परकला प्रभाकर, जो कि निर्मला सीतारमन के पति हैं, उन्होंने ये कहा है कि देश का ही नहीं बल्कि विश्व का सबसे बड़ा। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि निर्मला सीतारमन को ईडी कब गिरफ्तार करेगी, या मिस्टर प्रभाकर को ईडी कब गिरफ्तार करेगी। देखिए, इस देश के अंदर जिसके अंदर भी जमीर होगा वो बोलेगा, और जिसको देश से प्यार होगा वो बोले। क्या निर्मला सीतारमन अपने पति के खिलाफ ईडी छोड़ सकती है? क्यों नहीं छोड़ सकती है, यूडब्ल्यू लगा सकती है। अब देख लीजिए, नरेंद्र मोदी से भाई, वो तो मोदी का परिवार है, वो तो लिखी मैं मोदी का परिवार हूँ। अब देखिए, मोदी का परिवार वो निर्मला सीतारमन के परिवार प्रभाकर है, या निर्मला सीतारमन के लिए मोदी महत्वपूर्ण है, तो ये देखना पड़ेगा अब क्या होगा। अब तो ये समय ही बताएगा, तो भविष्य बताएगा। लेकिन जिस तरीके से, मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से ईडी और सीबीआई इनकम टैक्स का उपयोग नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, इस देश के अंदर आप समझ लीजिए पीएमएलए कोर्ट का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस देश के अंदर लोकतंत्र को खत्म करने की पूरी साजिश चल रही है। जनता, मुझसे भी लोग कहते हैं, मुझसे बहुत सारे, अरे भाई आप क्या बोल रहे हैं, आप ऐसे बोलते हैं, आपको गिरफ्तारी का डर नहीं है क्या, आपको तो मार देंगे, आपको ये क्या, कर दें। तो आपको समाज ही डराने लगता है, जनता ही डराने लगती है। आप देखिए ना, कभी कभी यूट्यूबर जाते हैं, भाई मैं नहीं बोलूंगा, मैं नहीं बोल सकता। दो डर और भी है, जनता यह कहती है कि भाई हम वोट किसी को देंगे तो ईवीएम से जीत जाएगा। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि इलेक्ट्रल बॉन्ड के कारण जो है, जो कॉर्पोरेट कंपनियों ने जो चंदा दिया है, उसमें कॉर्पोरेट कंपनियां भी नंगी हो रही। एक चीज और बता दे रहा हूं, जो कोविशील्ड बनाने वाली कंपनी थी, नरेंद्र मोदी ने कोविशील्ड का प्रचार क्यों किया, कोविशील्ड क्यों लगवाई? वो चाहते तो कोवैक्सीन भी कुछ और भी लगा सकते थे, कोविशील्ड वाले से पैसा लिया, सब कुछ फ्री कर दिया। तो इस देश के अंदर अभी फार्मा का आया है, सिप्ला फार्मा कंपनी का आया है कि उसकी तमाम दवाइयां ड्रग टेस्ट में फेल हो गई और उसने इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीद लिया, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। देश की करोड़ों जनता जो सिप्ला की दवा खाती है, बीपी की, शुगर की और बाकी, उसकी जान कितने खतरे में है। इस देश की जनता के साथ नरेंद्र मोदी खेल रहा है, इस देश की लोगों की जान के साथ नरेंद्र मोदी ने खिलवाड़ किया है, इसलिए देश की जनता के साथ धोखा है। और नरेंद्र मोदी ने देश के साथ भी धोखा किया है, और ये कुछ नहीं, ये देशद्रोह है। और जो अधिकारी सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स के अभी भी नरेंद्र मोदी के इशारे पे काम कर रहे हैं, होम मिनिस्टर के काम कर रहे हैं, तो मैं बता दे रहा हूं, जिस दिन सरकार बदली जाएगी उस दिन आप सबके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा होगा, क्योंकि आप संविधान की शपथ लेकर आए हुए हो, नरेंद्र मोदी की शपथ लेकर नहीं आए। और संविधान, जनता आपको पैसा देती है, आपको नरेंद्र मोदी के अकाउंट से पैसा नहीं जाता है, हमारे और आपके, नीलू जी के और बाकी जो जनता देख रही है उसके अकाउंट से जो पैसा कटता है, इनडायरेक्ट टैक्स कटता है या डायरेक्ट टैक्स जाता है, उस पैसे से आप तनख्वाह पाते हो। आपको नरेंद्र मोदी, आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी नहीं देती। इसीलिए मैं फिर से बोलता हूं कि आने वाले समय में देख लीजिएगा, देश के अंदर एक ही नारा गूंजेगा, गली गली में शोर है जी। ठीक है प्रबल जी, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, फीडबैक दीजिएगा, और बने रहिएगा मेरे साथ न्यूज लॉन्चर पर। थैंक यू।